So hi everyone, welcome to New Mom Vlog. Here's me Lalita starting a new vlog again. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का vlog. तो ये है मेरा स्कूल जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है टिल 12th. इट्स इन अग्रवाल पब्लिक स्कूल. काफ़ी बड़ा प्रमिसेस है इसका. इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारी 10th की क्लासेस होती थी. सॉरी, सामने की साइड जो बिल्डिंग है उसमें 12th की होती थी. ये इसका दूसरा गेट है एंड बैक साइड में इसका एक और गेट है. सो स्कूल की तरफ आओ तो काफ़ी ये इस तरफ हमारी 12th की क्लासेस होती थी ग्राउंड फ्लोर पे. काफ़ी मेमोरीज होती हैं स्कूल की. नहीं तो इस तरफ से आई तो आई थॉट कि चलो मैं शेयर करती हूँ. मैंने बोला भी था कि मैं आऊँगी इस तरफ तो मैं शेयर करूँगी. तो हम डिगू को लेके ऐसे यहाँ पे लोकल मार्केट है तो हमने सोचा चलो वहीं पे ही चल लेते हैं. कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान लेना था तो वो ले लेंगे. तो चले चलते हैं. हम कबीर को भी लेके जा रहे हैं प्राम में. मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है तो बस चलते हैं. तो शाम होते ही डूबी को पता नहीं क्या हो जाता, वो रोने लग जाता है कि बाहर लेके चलो बाहर लेके चलो. तो हमने सोचा आज पार्क नहीं तो चलो मार्केट ही चल लेते हैं. तो बस मार्केट आने वाला है, आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं. एंड यहाँ पे कबीर सबको देखते हुए कौन क्या कर रहा है, कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है. तो ये सामने सेक्टर 3 का हाउसिंग बोर्ड है एंड यहीं पे लोगों ने ना अपने घरों के नीचे शॉप्स बना रखी हैं. तो छोटा सा मार्केट एरिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, स्टेशनरी आइटम्स, कपड़े वगैरह एंड कॉस्मेटिक्स का भी सामान मिल जाता है. और इस तरफ ये कुम्हार की शॉप है. काफ़ी यहाँ पे भी भीड़ भड़ाकर रहता ही है. और यहाँ मार्केट आए थे, मैंने सोचा डुगू के लिए कुछ टॉय लिख लेती हूँ. देखता आई बॉट दिस फॉर कबीर, देखते हैं उसे कैसा लगता है. तो हमारा कबीर अब जैसे उसको 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए, 6 मंथ्स स्टार्ट हो गया उसका. तो मैंने उसके लिए एक स्टोरी बुक भी ले लिया है कि नाइट टाइम उसको थोड़ा स्टोरीज रीड करके सुनाएंगे, बिकॉज इस टाइम बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है एंड वो थोड़ा बोर भी जाता है रात के टाइम पे ना, जैसे सोते टाइम पे आजकल वो काफ़ी हल्ला हल्ला बजाता है. तो आई फील कि शायद वो लेटे लेटे बोर हो जाता है, तो उसके लिए भी थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा. मैं उसको स्टोरीज सुना दूँगी, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बुक ले ली है. तो चलिए छोटा मोटा सामान ले ही लिया है हमने, अब चलते हैं घर. तो हम घर पहुंचने वाले हैं एंड यहाँ हमारे घर के पास ना ओल्ड एज क्लब है. तो ये रिसेंटली बना हुआ है यहाँ पे. आई डोंट नो कितना क्लियर दिख रहा है, बट ये जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको बिल्डिंग, इवन ये बाहर की बाउंड्री ओल्ड एज क्लब की ही है. तो ये उसका मेन गेट है, इसका नाम सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन है. तो ये ये जो ओल्ड एज क्लब है ये बेसिकली जो 60 ईयर्स के हो जाते हैं उन लोगों के लिए है कि आप आइए गेम्स खेलिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए, बिकॉज सारे 60+ वाले सेम एज के यहाँ पे लोग आते हैं. एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे आफ्टर रिटायरमेंट आप लोग आइए और इन्जॉय कीजिए. एंड यहाँ की फीस 500 रुपीज़ पर मंथ है, विच इज़ गुड इनफ, बिकॉज़ यहाँ पे फैंस और कूलर वगैरह सारा फैसिलिटी अरेंज किया हुआ है 60+ सीनियर सिटीजन्स के लिए. अब जैसे मेरे पापा भी रिटायर हो जाएंगे तो हम भी उन्हें पुश कर रहे हैं कि आप भी फिर यहीं जाना. बट ये है कि प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट का एज इज़ 58, तो उनको 2 साल और वेट करना पड़ेगा. बट ऑलमोस्ट नोन है तो जा सकते हैं वो. एंड अच्छा अच्छा है, बिकॉज ना घर घर पे रह के आप कितना ही क्या करोगे, फिर वही होता है कि घर घर में फिर स्ट्रेस, चिक चिक बाजी है वो. थोड़ी देर जा के फ्रेश करके आओ अपना माइंड, आप एक घर पर हैप्पी हैप्पी रहो. तो मुझे अच्छा लगा ये वाला थॉट ना सीनियर सिटीज़न क्लब का. तो मैंने सोचा कि हम आई हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ.